मुझे जिंदगी में एक चीज से नफरत है, वो है एक्टिंग। जो आप कर रहे हो ना सर, जीरो है। बचपन और जवानी तक तो ठीक है, उसके बाद कुछ और ही खेल होना चाहिए। नहीं हुआ तो मिस कर गया। ये बुढ़ा मारा वहां पे एक बुढ़ा था अब उसके साइड से निकल गया एकदम। मेरे ये टीवी समाधि में अच्छा 4 साल से 5 साल से चला ही नहीं। दोस्तों, अब तक आपने देखा कि कैसे दिन भर की कड़ी मेहनत और पूछ परख के बाद इधर हमारे खोजी दस्ते और उधर संदीप जी ने एक अहम सफलता हासिल की, जिसके बाद हम पहुंच सके सर्वदमन साहब की सहयोगी अलंकृता जी के घर। और अब वो मुकाम नजदीक था जिसके लिए नारा टीवी के हजारों लाखों दर्शक और सर्वदमन साहब के फैंस बेकल थे, जो दिन रात भारी संख्या में हमें मैसेज या कॉल करते रहते थे। कुछ ने तो वीडियो संदेश जारी करके सर्वदमन जी के प्रति अपनी दीवानगी जाहिर की थी। तो दोस्तों और प्रेमियों, अब आपको सीधा ले चलते हैं प्रभु के पास। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो हम कैसे उनको आवाज दें या प्रार्थना करें? यहाँ से आइए, आइए। देखिए हमें कौन मिल गए। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। हर हर गंगे जी। रास्ते में हम आ ही रहे थे कि अलंकृता जी खुद मिल गई और हमें खुद लेकर आपके पास आई। हम तो आपको ढूंढ ही नहीं पाते, कोई कॉल बेल नहीं, कुछ नहीं, समाधि को भंग करने की कोई गुंजाइश ही नहीं, और पूरा दिन लग गया आपको ढूंढने में, पता करने में, सारी चीजों को सेटअप करने में। जैसे शिव जी के जब दर्शन करते हैं तो पहले पूरी तपस्या करनी पड़ती है, तो हमारी तपस्या जब तक पूर्ण नहीं हुई प्रभु जी के दर्शन नहीं हो पाए। थोड़ा हम आपकी स्वागत करेंगे। ये नारद टीवी जी की टीम है। अच्छा, इनका नाम आपने सुना होगा, अनुराग सूर्यवंशी जी। तो ये थोड़ा आपका स्वागत सत्कार करना चाहते हैं विधिवत। आइए अनुराग जी। जय हो, जय हो। और आप हैं श्याम जी, आप आइए। हाँ, ये विंटर्स में शॉल काम आएगी, इसे ट्रू पश्मीना शॉल। अच्छा, मेरे पास एक है। ये आप काम की चीज लाए हैं। बाकी चीजें तो कोई भी आप लाते हैं इसके अलावा तो वो तुरंत दान में चली जाती है। अच्छा अच्छा अच्छा, वाह 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 वाह। श्याम जी आइए। अब ये थैंक्स टू धर्मा हम यहाँ पहुंच गए। अच्छा। हुआ ऐसा कि अगर ये नहीं मिलते, इनको देख के पहले मैं सोच में पड़ गया, प्रेम शर्मा तो नहीं है। यू नो, ही रिमाइंड्स मी ऑफ प्रेम शर्मा सो मच। ये हाँ, प्रेम शर्मा का हेल्दियर वर्जन जैसे पहले था। यही मैं कह रहा था। And he was instrumental in getting us here. अच्छा, और ये तो कुछ दिन पहले ही आया है। वैसे रास्ता बड़ा अब सिंपल है। हाँ। शुरू में बड़ा कठिन लग रहा था ना। हाँ। But very happy. तो हमारे सभी दर्शकों के लिए आप हैं कृष्णा सर्वदमन बैनर्जी, जिनको पूरा जगत ढूंढ रहा है। दिन ढलते हुए हम यहाँ पहुंच गए हैं। प्रभु जी, आप अपने दर्शकों को कुछ बताइए, बिकॉज दे आर सो ईगर टू हियर अबाउट यू। दे कीप ऑन पेस्टरिंग मी। अलंकृता भी यही बता रही थी, एक छोटी सी बात के जैसा दोस्त हूं तो मुझे बोलने की। तो इस तरह प्रभु के स्वागत सत्कार का सुअवसर प्राप्त करने के बाद हमने फुर्सत के पलों में कुछ बातें की। इस क्रम में सबसे पहले हमने सर्वदमन जी से ये कहा कि असल जिंदगी में तो उनके चेहरे पर एक अद्भुत तेज तो है ही, परंतु श्री कृष्णा के शूट के दौरान उनके ऊपर व आसपास जो आभा मंडल उत्पन्न होता था उनमें कौन सा तकनीकी चमत्कार किया जाता था, तो उनका जवाब सुनिए। पता क्या मेरे ऊपर क्या लगाता था? करीब 10 फीट से 10K, 5 बड़े 16, 5K भी नहीं था वो, 10K था, इतना बड़ा था। और उस समय 10-15 मिनट तो लगता है गर्म होने में। वो एक बार ऑन तो उसको ऑफ करते ही नहीं थे वो, तो आप समझ लो वो कंटिन्यूअसली स्पॉटलाइट में रहता था। मगर जो सब्जेक्ट रहता है उसके लिए ऐसा लगता है कि आप भट्टी के सामने खड़े हो। और अगर गर्मी का टाइम जब रहता था तो हम रात को शूटिंग करते थे गीता की, ताकि हम वो गर्मी कम लगे। वो तो फिर भी ठीक था, बेटर था वो। पूरे गीता की सीक्वेंस की शूटिंग रात को हुई।
ताकि वो हम आराम से करते थे और 3-4 घंटे में आप काम खत्म कर वो देते तो थे। हाँ, गीता तो क्लासिक था हम लोग का। कभी आप ये एपिसोड देखते हो अभी जो आ रहा है कृष्णा? मेरे ये टीवी समाधि में। अच्छा, 4 साल से 5 साल से चला ही नहीं। आपको और बड़ी कमाल की मैं बताता हूँ कि जब हम ये शूटिंग कर रहे थे तो 9 से 10 हम सभी लोग शूटिंग पहले एपिसोड देखते थे फिर शूटिंग के लिए जाते थे। मुझे याद नहीं है आज तक कि एसडी ने कभी कोई एपिसोड देखा हो करने के बाद। या तो बहुत ही हालत ही ऐसी होती थी कि मैंने कैसे किया मुझे ठीक से याद भी नहीं है कुछ। कई बार तो मेरा हाथ पकड़ के शॉट में नहीं ले जाते थे। मैं ऐसे बैठा हुआ हूँ, हाथ पकड़ के ले जा रहे और वहाँ आँख खुलता था, मेरे डायलॉग ज़्यादातर सब लिखे रहते थे। अच्छा, ये डायलॉग है, ऑलरेडी टेक। लेकिन अभी जब मैं एपिसोड देख रहा हूँ भाई, तो मुझे एक्चुअली लगता है, मैं सच कह रहा हूँ, मैं एक कलाकार के नाते कह रहा हूँ कि अब जब मैं ये देख रहा हूँ ना पूरा एपिसोड, मेरे घर में सब देखते हैं एसडी एवरी डे और हमने सारे एपिसोड देखे हैं। मेरे बच्चे को बहुत पसंद, माँ को बहुत पसंद, वाइफ को बहुत पसंद। लेकिन जब मैं देखता हूँ उस समय मैंने इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं किया था। अब मैं इस चीज़ को महसूस कर सकता हूँ कि ये एक्टिंग नहीं थी, एक्टिंग है ही नहीं, ये बिल्कुल ही कोई अद्भुत चीज ऑपरेट कर रही है। एक्टिंग है नहीं, मुझे जिंदगी में एक चीज से नफरत है, वो है एक्टिंग। आई एम एन एक्टर हु हेट्स एक्टिंग। एक्टिंग यदि तुम कर रहे हो, तुम यदि एक्टिंग कर रहे हो तो तुम तो नकली हो यार, नहीं? और एक्टर यदि एक्टर सच में आर्टिस्ट है तो आर्टिस्ट मतलब क्या होता है? आर्ट मतलब क्या होता है? आर्ट मतलब क्या होता है? आर्ट मतलब होता है टू शो, चाहे वो पेंटर हो चाहे वो म्यूजिशियन हो, टू शो द रियलिटी ऑफ दैट थिंग, जो आप प्रेजेंट कर रहे हो उसकी हकीकत दिखाना। तो तुम यदि एक्टिंग करोगे तो एक्टिंग करना तो बहुत आसान है। एक्टिंग बाय नेचर इज सबसे डिफिकल्ट, आप कहना चाह रहे हो सबसे डिफिकल्ट। इसे गोविंदा ने एक जगह बोला है, सबसे डिफिकल्ट काम है टू प्ले गोविंदा, बाकी मैं सब बड़ा इजीली कर सकता हूँ, बंदर भी बन जाऊंगा, ये दिल कुमार भी बन जाऊंगा, ये भी बन जाऊंगा। जस्ट टू बी गोविंदा ना इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग। द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू डू इन फ्रंट ऑफ अ कैमरा इज नॉट एक्ट। एंड व्हेन यू कैन डू दैट, एंड व्हेन यू कैन डू दैट जबकि स्क्रिप्ट किसी और की हो, डायलॉग किसी और का, उसमें यदि आप कर सको, अपने डायलॉग बोलने में जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ तो ईजी है ना। लेकिन यदि कोई दूसरा बोले कि आपको ये बोलना है सर्व धर्म परित्यज्य, तो आप कृष्णा बन जाओगे। जो कृष्णा बन गया बस वो खत्म। और कृष्णा नहीं बनकर वहां सर्वधमन भी नहीं होना चाहिए। इसलिए मैंने बहुत पहले एक बात कही थी, जब मैं 20 साल का था, FTI में पढ़ता था, तो मैंने कहा था एक्टिंग इज व्हेन द एक्टर इज नॉट। लेकिन मैं वो लेवल नहीं पहुंचा था उसमें, लेकिन मुझे ये ख्याल आ गया था कि एक्टिंग तब होती है तब आपके अंदर वो भाव ही ना हो कि मैं कर रहा हूं, निकल रही हो ना। दुनिया की जितनी अच्छी पोइट्री है, उपनिषद भी आप देखोगे, उसके जो उन्होंने लिखा है उसके बाद उन्होंने ये नहीं लिखा किसने लिखा है, नाम नहीं है वहां। वेद जो 4 वेद है उसके नीचे भी किसी ने नाम नहीं लिखा, कोई ऋषि मुनि ने अपना नाम नहीं लिखा। क्यों? उन्होंने बोला ये ऊपर से उतरी, मैंने ये लिख दिया, थैंक यू भाई, मैं जा रहा हूँ। तो इसलिए मुझे कोई बोलता है ना आपने कृष्णा किया, मैंने कहा आप उसको बोलो, उसको फोन करो, उसको बता उसने किया, मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो वहां पे खड़ा होता था और देखता था हो रहा है। मैं इसका गवाह हूं। नहीं, आप कभी भी, आप इसे टेलीविजन में तो क्या है, छोटा स्क्रीन होता है ना, आप गीता को फुल स्क्रीन में देखिए। यदि कोई 70 mm स्क्रीन में देखे ना, मैं कहता हूं वो समाधि में ना चला जाए तो मेरा नाम नहीं, क्योंकि मैं ही समाधि में था। सही बात, जाएगा ही जाएगा। मैं भी उसको देखकर, अब जबकि हम इतने छोटे से स्क्रीन में देख रहे हैं, है ना, हमारा साइज कितना बड़ा है, टीवी उसको भी छोटा कर देता है और मूवी हमारे साइज को भी बड़ा करता है। उसमें आप देखिए, जब आपको मेरे आंखों से एक्चुअली लाइट निकल रही थी, एक्चुअल दिव्य लाइट ना उसमें निकल रही थी, और मैं चारों तरफ लाइट उसमें दिखती थी। ये लाइट दिखती नहीं है अभी मुझे, ये लाइट नहीं दिख रही, आप लोग दिख रहे हो, सब क्लियर दिख रहा है, ये लाइट नहीं दिख रही। उसमें चारों तरफ लाइट दिखती थी, अंदर बाहर चारों तरफ, और मुझे सामने जितना दिखता था, एक नॉर्मली आपने को, अभी तो हम लोग आप देखते हो तो बहुत अपनी नज़र छोटी कर लेते हो,
यदि ध्यान में उतरे इंसान होगा ना तो उसको इतना दिखेगा, ठीक है। और मुझे दिखता था इतना प्लस उतना 360 डिग्री। और कब, जब मैं रथ पे बैठा चढ़ता था और कृष्ण का जो गीता बोलता था उसी समय उतने ही टाइम में जब नीचे उतर आता था तब नहीं दिखता था मुझे। तो आप सोचिए कौन कर रहा था वो। और बीच में जब एनर्जी आ जाती थी और स्पुटनिक की तरह आप भागते थे तो याद है कुछ आपको? तो कमाल था वो, मतलब वो स्पीड इतनी ज्यादा रहती थी, मेरे ख्याल से 60-75 की स्पीड रहती थी और बिल्कुल तीर की तरह से स्टूडियो के एक कोने से आंख बंद, एक कोने से दूसरे कोने तक और दूसरे कोने से फिर वापस आना, और रास्ते में जो आदमी हो वो हट जाए क्योंकि हम सब कहते थे स्पुटनिक जा रही है। और फिर कभी कभी मुझे अभी भी याद है जब मैं भाग रहा था आंख बंद और मैं भाग रहा हूं लेकिन इतने होश में, और पीछे से कहीं से आवाज आई कि ये बुढ़ा मारा, वहां पे एक बुढ़ा था और उसके साइड से निकल गया एकदम। यार अगर टकरा जाता तो, जबकि मेरी आंख बंद थी, ये सब पता था। हाँ, बड़े बुढ़े काका थे जो चौकीदार उधर से आ रहे थे और मैं ऐसे जा रहा था। और कभी कभी मेकअप रूम में जब एनर्जी आ जाती थी, मेरे पास पुराना एक कैसेट प्लेयर था मेकअप रूम, तो जिसमें वो हम कल बात करेंगे। हाँ, वो हम एक करेंगे डिटेल में बातचीत, लेकिन मुझे याद है वो जब श्रोत्र बजते ही वो एनर्जी आती थी और किस हुंकार के साथ आप भागकर दीवार पे जो मारते थे ऐसा लगता था कि दीवार ही टूट जाएगा, वो कमाल की बात। एक दिन याद है जो ऐसे भाग रहा था और ऊपर उछल के, बिल्कुल। उस समय ये कैमरा नहीं था, वरना वो हमने सोचा भी नहीं था कि डॉक्यूमेंट करेंगे स्टूडियो में, तो कैमरे थे। मैंने देखा जब भी मेरी ज्यादा क्रिया होती है ना, यदि कोई कैमरा लेके भी आए कैमरा नहीं चलते, 2-3 बार हुआ ऐसे। भाई देख लो सब लोग चल, अभी तो क्रिया नहीं हो रही है ना, अभी नहीं, कभी भी होगी ये बंद ना हो जाए। हाँ, हो सकता है ये, क्वाइट पॉसिबल ये हो सकता है। नहीं होना चाहिए, उस समय बंद होना चाहिए। उस समय मुझे एक बार क्रिया हो रही थी, ठीक है, मेकअप कर रहा था और जापान से एक टीम आई थी, जापान से वो रामानंद सागर को कोई अवार्ड मिला था, तो उसने उन्होंने कहा कि जाके कृष्णा का आप, जिन्होंने वो मुकुट वाला वो क्लासिक फोटो लिया था, यू रिमूविंग द वो तो ये है। हाँ, नहीं ये तो इटालियन ने लिया। अच्छा, ये तो अच्छा, ये एक इटालियन ने लिया। ये फोटोग्राफ जापानीज। हाँ, ये फोटो मैंने इसलिए लगाई, मैंने कभी कोई अपनी फोटो नहीं लगाई कभी। ये इसलिए लगाई क्योंकि इसमें मैं हूं ही नहीं। आप इसको देखो और इसकी सिर्फ आंखें देखो, जो मैं लाइट की बात कर रहा हूँ आपको देखो, ऐसी आंखें देखी आपने, ये आंखों में इतनी लाइट है कि आंख बाहर निकली। जो मैं बात बता रहा हूँ कि एक्टिंग में एक्टर गायब हो जाता है, वो ये साक्षात है। यहाँ देखो, और मैं बोलता हूँ कि कृष्ण के ऐसे दर्शन नहीं हो सकते, मैं ऐसे दर्शन करता हूँ इनको देख के, ये मैं नहीं हूँ। अब देख के ऐसा लगता है जी, अब जब मैं कृष्णा देखता हूँ ना, कि हम लोगों ने उस समय एक्टिंग की ही नहीं। एक तो आप उस भाव में थे और उसकी वजह से सेट पर ऐसा एटमोसफियर बना कि पूरे पूरे स्टूडियो में, पूरे स्टूडियो में वहां लाइट बॉय जो थे वो योगा और समाधि की बात करते थे, लाइट बॉय। और बड़े डिटेल में। कई लोग तो उसके प्रभाव में भी आए जिसकी हम चर्चा करेंगे विस्तृत। सहदेव बने दोनों पात्र, उनके साथ कैसा अनुभव हुआ। लेकिन बाकी लोग भी इसके बारे में अभी तक पूछते हैं मेरे से, तो उसमें कोई मिल जाता है मुझे। एक अपने जो कैमरामैन थे अविनाश, वो तो अभी भी कॉल करके मुझसे पूछता ही रहता है कि एचडी कहाँ है, क्या भाव है, क्या उसके भाव मेंटेन्ड है अभी तक या कुछ और हो गया। अविनाश आर्ट डायरेक्टर जो था, नहीं जो मेन कैमरामैन था डीओपी अविनाश सातोश, अविनाश हाँ, अभी पतला दुबला, स्लिम वाला पतला दुबला। हाँ, और वो जो दूसरा कैमरामैन था वो तो मेरे फेस, वो तो मेरे बात करते हैं, वो भी पूछता है, पर अविनाश पूछता रहता है। वो बड़ा ही सीरियसली स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्टेड है अभी, बहुत डीपली। और उसको वो अकॉर्डिंग टू हिम वो रोग वहीं लगा जब हम कृष्णा कर रहे थे उसके साथ। तो अभी भी जब कृष्णा दोबारा टेलीकास्ट हुआ तो मुझे कॉल करके पूछ रहा था वो कि सरदमन के क्या भाव है, हैज ही गॉट आउट ऑफ इट और हैज इट बिकम समथिंग एल्स। मैंने कहा आई हैव नो वर्ड्स टू डिस्क्राइब कि क्या है वो। आप खुद देख कर समझ पाओ तो समझो, यू हैव टू फील इट। मगर वो बहुत सीरियसली अब उसमें आगे बढ़ गया है, तो ये है। अच्छा लड़का था। हाँ, जिंदगी में आप सब भी ना, ये बाहर की जिंदगी तो
तब तक जियो जब तक आपकी जेब में पैसा नहीं है। जब एक बार जेब में पैसे आ जाए ना, फिर असली जिंदगी है अंदर डुबकी मारना। और यदि वो नहीं मारा तो आपने कुछ भी नहीं जिया, कुछ जीरो। जो आप कर रहे हो ना सब जीरो है। और जिस दिन वो शुरू हो जाएगा उस दिन ये जो आप कर रहे हो ये एक्चुअली आपको दिखेगा कि सब जीरो हो गया, कुछ नहीं है। क्या कर रहे हैं हम लोग? थोड़ा पेट पूजा, थोड़ा कपड़े, थोड़ा क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं आप बताओ? दुनिया में पैसे कमा कर क्या कर लोगे आप? इसमें आप एक कपड़े लगा लो, कपड़ा लगा लोगे, दो रोटी खा लोगे, वो तो वैसे में सारी जानवर भी खा रहा है, सब खा रहे हैं। और आगे 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 कुछ नहीं, बस उसी में और पैसे कमा लो, और अच्छा खा लो, और महंगा कर लो, यही करते रहोगे। जो कि स्टूपिड है, वेस्ट है टाइप का, है ना। जिंदगी में बाहर की दुनिया, बचपन और जवानी तक तो ठीक है, उसके बाद कुछ और ही खेल होना चाहिए लाइफ में। और नहीं हुआ तो मिस कर गए आप लाइफ ही मिस कर गए। और राइट्स तू बता। बस यार, बहुत इन चीज़ों का ऐसे रूबरू बैठ करने बात करने का आनंद मतलब वर्षों के बाद आया है। दो आई रिमेम्बर एवरी डे। मैं अभी यही कह रहा था इनको जब हम रास्ते में आ रहे थे कि एक टाइम था कि आई यूज़ टू लुक फॉरवर्ड टू इवनिंग्स कि हम बैठ के बात करेंगे। कई बार हम घंटों बात नहीं भी करते थे, इट वॉज नॉट दैट वी यूज़ टू टॉक एवरी टाइम। कभी कभी घंटों हम साइलेंट ही रहते थे, बट उसका भी एक मज़ा आता था। दैट साइलेंट वॉज फुल ऑफ प्रेगनेंट पॉज एंड लॉट ऑफ मीनिंग, फुल ऑफ स्पिरिचुअल वाइब्रेंट एटमोसफियर, जो अब मुझे बहुत दिनों बाद महसूस हुआ। अभी तो तुम आए हो, अभी तुम्हारी ट्यूनिंग का हुई ऋषिकेश। इस घर के अंदर इतनी एनर्जी है, इस घर के अंदर, समझे ना। जितने अच्छे साधु या कोई अच्छा कोई आता है ना जो मेडिटेशन से कनेक्टेड है, वो जैसे ही गेट के अंदर घुसता है तो ऐसे हो जाता है। तो बोलता है सर यहाँ क्या है? मैंने कहा यहाँ पे लोग सोते हैं कभी कभी हमारे दोस्त कमरों में, तो रात में बोलते हैं सर ये दीवार के अंदर से लाइट निकल रही है, दिव्य लाइट जो है वो दीवार के अंदर से निकल रही है। इसलिए तो मैंने जगह का नाम ही रखा है लाइट हाउस। सही, बिल्कुल करेक्ट नाम, बिल्कुल करेक्ट है। कल हम वो लाइट हाउस भी देखेंगे थोड़ा विस्तार से। लेकिन फोटोग्राफ से मुझे बहुत ही अद्भुत और दिव्य लग रहा था वो। बड़ी शांति और पीछे की जो जगह है वो तो कमाल है। मतलब चलो घूमते हुए चले। हाँ हाँ, एक बार आइए। ये तो मैंने रूम्स बनाए हैं यहाँ। ये रूम का थीम क्या है पता है? ये मड है। अच्छा। ये वाटर है, इसलिए देखो वाटर का लुक है। इसके नीचे का फ्लोर भी सब वाटर का है। इसका बाथरूम भी वैसे है। ये एयर है, तो एयर में पूरा मैंने ऐसे वाइट फ्लोर भी देखो वाइट रखा है। इसका बाथरूम भी ऐसे है, है ना। ये फायर है, इसमें येलो पूरा रखा है ना। और ये स्पेस है, पांच तत्व। अच्छा। ये स्पेस में ये ब्लू और पूरा फॉरेस्ट का लुक। वाह। और ये देखो इसका, ये तो अद्भुत है। इसका बाथरूम देखो ब्लू, बहुत ही कमाल है। और ये तो बाहर का, ये हमारे लिए ठीक है। इसके वाह, और इसके ऊपर हॉल है। हाँ, इसके ऊपर डाइनिंग है और किचन है और वो है योगा हॉल। अच्छा। और उसके ऊपर में फिर और रूम्स बनाऊंगा। हाँ हाँ हाँ। इसको बंद कर दो, इसको बंद कर दो। ये मार्च में ही बनकर तैयार हुआ है। ये बाथरूम देखो, ये मेरा फेवरेट बाथरूम है। अच्छा। ये देखो मैंने खादी का पर्दा लगाया। हाँ हाँ हाँ। ये देखो वाह, फायर में कैसा बाथरूम किया है, येलो। ऑल डिजाइन बाय यू? हाँ, एवरीथिंग। ओके। इवन द बिल्डिंग मेड बाय मी। अच्छा।
नो कॉन्ट्रैक्टर। आर्किटेक्ट तो मैं लेते ही नहीं। अच्छा अच्छा, आर्किटेक्ट तो मैं काफी अच्छा हूँ। वाह, पहले वो घर बनाया, फिर थोड़ा तो आइडिया हो गया, फिर ये बना लिया। एक वो लड़का मुझे लिखता था अपने फेसबुक में कि वो यहाँ रह कर गया है आपके साथ, सुरजीत योगी। रहता था वो। आओ ऊपर चले। अब ये हॉल भी पूरा इनकम्प्लीट है क्योंकि इसमें कांच वांच सब लगेगा। ये मतलब ये योगा हॉल, योगा हॉल है। पूरा फॉरेस्ट व्यू है सामने से। ये पूरा ऐसे खुला हुआ रहेगा या ग्लास वगैरह लगेंगे? ग्लास लगाना है। हाँ, अभी पैसे नहीं। वाह, ये पूरा गंगा जी सामने दिखती है, पूरा हिमालय। दिन में पता चलेगा। हाँ, दिन में पता चलेगा, दिन में पता चलेगा। आप धर्मा जी आ चुके थे पहले? हाँ। अच्छा, ये सब तो नहीं दिखा होगा आपने? अभी थोड़ा सा ऊपर का अनटाइडी भी है। हाँ हाँ, ये ऐसे डाइनिंग का स्पेस है, यहाँ पर हम बैठ सकते हैं मुझे लगता है। हाँ, इसमें भी बैठ सकते हैं। सुबह यहाँ पे पूरा सनराइज दिखेगा। हाँ हाँ, ठीक है। और मूनराइज सनराइज दोनों मेरे ठीक पहाड़ के सामने होता है यहाँ से। अच्छा। हाँ, ये देखो यहाँ से पूरा फॉरेस्ट का। जिंगूर की पूरी आवाज। एक लाइट नहीं दिख रही है। ये सनराइज यहाँ से, और यहाँ पता चलता है कि डार्कनेस क्या है। हाँ, देखो कितना ब्लैक, जेट ब्लैक। और यहाँ पे देखो तारा, पहली बार देख रहा हूँ मैं, ऋषिकेश आने के बाद पहली बार देखा मुझे। अच्छा, मुंबई में तो दिखते ही नहीं ऑफ कोर्स। ये वुड के अंदर से इसका जो ऑयल नहीं होता, देखो तो स्मेल करो कितना अच्छा गोंद जैसा है। इस रेजिन और इसका ही रेजिन, इसको अभी पॉलिश करवाना है। अच्छा अच्छा, ये हमारा किचन है एक्चुअली। मैंने ये 5 रूम बनाए थे पहले। हाँ हाँ, इसको चेंज करके मैंने, बजट कम था, इसको बना दिया। अब 5 रूम ऊपर बनेंगे और ऊपर बनेंगे इसका। ओके, ये देखो ये किचन है एक्चुअली। ये हाँ, बहुत ही आर्टिस्टिक सा किचन है, बहुत ही आर्टिस्टिक, खुला सा एकदम। हाँ, खुला सा। लेकिन ये किचन में बंद कर दूंगा। दिस इज ओनली बी फॉर पीपल हु जस्ट वांट टू कुक फॉर देमसेल्व्स। ओके, वो साथ में जो मेरा एक होटल वाला है ना। हाँ हाँ, वहाँ रेस्टोरेंट चलेगा। अच्छा, और वहाँ से खाना सप्लाई होगा। खाने के लिए वहाँ जाओ, योगा, और रहने के लिए यहाँ। हाँ, वो बड़ा मेसी भी हो जाता है किचन मेंटेन ऑपरेट करना। हाँ, इसको ऐसे भी जा सकते हैं घर। अच्छा, ये देखो ये इंटरकनेक्टेड है। इधर से आओ, उधर से तो हम लोग गए। अच्छा। ये हमारे सब पेड़ हैं। ये पेड़ जो है पूरा ऑरेंज फ्लावर देता है मार्च में। अच्छा। और ये है रात की रानी, देखो कितनी कितना बड़ा हो गया ये। ये अंजीर, वो कृष्णचूड़ा। ये पेड़ आने के बाद लगाए सब आपने? हाँ, ये सब 2009-8-9 में लगाए। अब यहाँ से भी एंटर कर सकते हो। यहाँ पानी है थोड़ा, देखना। हाँ, इधर पानी है, देख लेना। कितने सारे एंट्रेंसेस एग्जिट से देखा। लाइक भूल भूले ही। वो हिंदी फिल्मों में डायलॉग होता था ना कि ठाकुरों के हवेलियों में आने और जाने के बहुत सारे रास्ते होते हैं। तो ये योगी का आश्रम है, यहाँ व्यक्ति कहीं से भी आ सकता है, जा सकता है। बहुत अच्छा, वाह। दोस्तों, दिन के 1 बज गए हैं, सूरज काफी ऊपर चढ़ाया है। यही वो समय है
जब हमें सरदमन डी बनर्जी बाबू के सामने बैठकर उनसे विस्तृत चर्चा करनी थी, जिसका वादा हमने आपसे किया था, मगर किसी कारणवश उनका हृदय परिवर्तन हुआ है और उनका फोन मुझे आया है कि वो शंका निवारण हेतु मुझसे अकेले में बातचीत करना चाहते हैं। इन तमाम मुद्दों के बारे में उनके विचार जानने के लिए मैं अकेला बगैर अपने टेक्निकल क्रू के, बगैर किसी कैमरे के उनके घर जा रहा हूं।